क्या सोच रही हो? वही दीवान, दीवान दीवान कभी नहीं मानेगा। मगर मैं जाऊंगी वहां। तुम जाओगी वहां? तुम सूरज के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। एक बात मेरी भी सुनती जाओ स्नेहा, आज के बाद मेरे घर की चौखट पे कभी कदम नहीं रखना। आपसे अंजलि की खुशी मांगने आई हूं। जब से तुमने मेरी खुशियों को ठुकराया है, मैंने खुशियां बांटना बंद कर दिया है। अंजलि एक लड़के से प्यार करती है, मैं उसकी शादी। इनफ! तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ नहीं होता। मेरी बेटी की भी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। आपकी इसी जिद, इसी घमंड ने 7 साल पहले बहन से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था, और आज आपकी वही जिद आपसे आपकी बेटी दूर कर देगी हमेशा के लिए। जिद के आगे ना कभी मोहब्बत झुकी है ना झुकेगी। तो तुम अंजलि को शायद दे रही हो? जी नहीं, अंजलि सूरज से बहुत प्यार करती है, आप खुद ही उससे पूछ लीजिए। दीवान विश्वराज जो पूछता है अदालत में पूछता है, घर में वो सिर्फ फैसला सुनाता है। मेरा फैसला सुन लो, मेरी बेटी की शादी किसी मामूली इंसान के साथ नहीं हो सकती। मैं पूछ सकता हूं वो कौन सी गरज है जो इतने बड़े दौलतमंद और नामी वकील को मुझ गरीब के दरवाजे तक ले आई? मेरी गर्ज के पीछे बाप का फर्ज है, लेकिन तुम गरीबों के मर्ज का एक ही इलाज है, वो है दौलत। बोलो कितनी चाहिए? मुझे मालूम नहीं था कि आप तानवीर करण के खानदान से हैं। करण के नहीं, रावण के खानदान से हूं जिसके 10 दिमाग हुआ करते थे। फिलहाल मैं तुम्हें दान देने नहीं कीमत देने आया हूं, उस भूल की जिसे गलती से मेरी बेटी मोहब्बत समझ बैठी है। ठीक है, क्या कीमत लगाई है मेरी मोहब्बत की? रकम अपने हाथों से भर लो। आपको यकीन है चेक कैश हो जाएगा? तुमने अपने पांव से उतनी धूल नहीं उड़ाई होगी जितनी दौलत हम अपने हाथों से उड़ा चुके हैं बच्चे। इस बेवकूफाना मोहब्बत का सिर्फ एक ही इलाज है, अंजलि की शादी, और वो भी जल्द से जल्द। अरे यार, इतनी देर की खामोशी के बाद सोचा भी तो ये। मैं बहुत परेशान हूं पायलट बाबा, डरता हूं कहीं ये लड़की हिमाकत ना कर बैठे। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? है ना। कौन? वो जो पीछे बैठा है। गिर गया। ओ भाई, यहां पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक लग गई। दीवान, हमें यह रिश्ता मंजूर है। थैंक यू पायलट बाबा।
मिस अंजलि, मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कर रहा हूँ। डैडी, सूरज मैकेनिक जरूर है लेकिन घास जमीन में उगती है, आसमान में नहीं। रेत की गोद में कभी फूल नहीं खिलते। Come on. डैडी। पायलट बाबा आओ, दीवान आओ। मेरी बेटी से मिलिए। हेलो, ये है मेरा बेटा डोडो। डोडो नाम है मेरा। आपका क्या नाम है? अंजलि। अच्छा है ना। अरे भाई दीवान, हम उम्र की दोस्ती अच्छी होती है, इन्हें अकेला छोड़ दे। जाओ भाई, जाओ गार्डन में जाओ। जाओ बेटी आओ। आइए ना। मैं क्या बोल रहा था, शादी के बाद हनीमून के लिए अलीबाग जाएंगे। अलीबाग में नारियल के पेड़ इतने। आप तो रो रही है, लड़की तो विदाई के वक्त रोती है, अपनी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और होगी भी नहीं। नहीं होगी? अगर होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। हत्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ उससे। प्यार करती हो? अच्छा करती हो, शादी भी उसी से करना। पर मेरे डैडी होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? जरूर होने देंगे। वो अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं ना। ठीक है, मैं जोड़ता हूँ अपना संबंध। हाँ, वो दुपट्टा दे इधर। क्या? दे ना। ये लो, बांधो मेरे हाथ में। ओके। रोना नहीं, आंसू पोछो। मेरे बहना अब कभी नहीं रोएगी। देखो दीवान, थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के साथ कितने घुल मिल गए हैं। हाँ पायलट बाबा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेड फॉर ईच अदर। हाँ, मेड फॉर ईच अदर, लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? ये क्या बदतमीजी है पायलट बाबा? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं डैडी, ये तो सबसे बड़ी तमीज है। ये देखो। ये क्या है? ये राखी है, मेरी बहना ने मुझे बांधी। चलो दीवान, बहना, बहना, डो डो। जिस तरह मिठास गुड़ का स्वभाव है और करवाहट नीम का, उसी तरह इंसान की खुददारी उसके बड़प्पन का स्वभाव है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो झड़प हुई, चाहे वो गैराज में हो या कोर्ट रूम में, मुझे एक चीज का यकीन जरूर दिला दिया है कि मेरी बेटी ने अपना प्यार चुनने में कोई गलती नहीं की। प्लीज सिट डाउन मिस्टर सूरज। शुक्रिया। आइस फॉर यू। जी मुझे पीना नहीं। भाई तुमने सुना होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि दोस्ती और मोहब्बत में तुम जहर भी पिला दोगे तो पी लेंगे। सुना है? जी। यकीनन इसमें जहर नहीं है, और अगर इसमें जहर है भी तो मैं भी तो तुम्हारे साथ साथ पी रहा हूं। चीयर्स। चीयर्स। ये आपका गैरेज है? मुझे बहुत दूर जाना है और मेरी कार खराब हो गई है, आप इसे देख लेंगे प्लीज? मेरी मदद करेंगे प्लीज? We'll be right back.
ये आप क्या कर रही हो मेन साहब? क्या कर रही हो तुम? ये कैसा मजाक है? जाओ यहां से। आई सेड गो, चलिए जाओ यहां से। झूठ बोल रही है वरुण। भैया भैया मुझे बचा लो भैया। वरुण मेरा भरोसा करो वरुण। वरुण ट्रस्ट मी, जो औरत कह रही है वो झूठ है वरुण। गाड़ी बनाने के बहाने वो मेरे पास आई। ट्रस्ट मी वरुण। वरुण ये इसकी चाल है, ये मुझ पर बार बार झपटती रही और मैं उसे दूर करता रहा। वरुण वरुण ट्रस्ट मी, ये औरत बच्चलन है वरुण। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि ये आदतें छोड़ दो और आज तुम्हें शराब भी पी रखी है। हाँ वरुण मैंने शराब पी है, मगर तुमने शराब पीकर आज वो हरकत की है जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। और मेरे लिए क्राइम इज अ क्राइम। आई एम नॉट अ क्रिमिनल वरुण, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है, कर ले गिरफ्तार, दिलवा दे 7 साल की सजा। अगर चाहूं तो अपने आप को अदालत में बेगुनाह साबित कर सकता हूं, लेकिन जब तुझे ही दोस्ती पर भरोसा नहीं रहा तो 7 साल की सजा काट लूंगा दोस्त, काट लूंगा। हिंदुस्तानी औरत सिर्फ निशाना बनना जानती है, निशाना लगाना नहीं। निशाना बनते बनते कहीं मेरा नाम और निशान न मिट जाए आपके दिल से। पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक नहीं लगती, जो इसमें एक बार बैठ गया बस बैठ गया। देखो जी निशाना ऐसे लगता है, देखो। फैंटास्टिक। तुम्हारी जगह कोई अंग्रेज औरत होती ना तो तालियां बजाने की जगह जानती हो क्या करती? क्या करती? सबके सामने? कोई नहीं देखेगा, इसीलिए उन सबको काले चश्मे दे रखे हैं। वो वही देख सकते हैं जो पायलट बाबा उन्हें दिखाना चाहता है, बस। दीवान, तूने सूरज को अंदर करवाकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई है। बस अब वरुण सक्सेना का कुछ करना होगा और मेरे भाई रंजीत को बाहर निकलवाना होगा। वो भी हो जाएगा पायलट बाबा। इसी बात पर ये 15 लाख रुपए का चेक रख लो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है पायलट बाबा। क्यों? मैंने सूरज को पैसों के लिए अंदर नहीं करवाया, अपने लिए करवाया, फॉर अ वेरी पर्सनल रीजन। अच्छा मैं चलता हूं। अरे बैठो ना, रंग जमा हुआ है। वही, एक मीटिंग में जाना है वरना कौन जाए। अच्छा अच्छा। अच्छा शर्मा जी। अच्छा दीवान, बाय बाय। ए डोडो। हेलो अंकल। डैडी, उन दोनों में से कौन सी अच्छी है? भाई मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही हैं। अच्छा, मुझे लगा एक ही अच्छी लगेगी। ठीक है, मैं दोनों से शादी करूंगा। डोडो, रात को पर्ची डालेंगे। डोडो समझ गया। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट।
पायलट बाबा जी, मंत्री जी, एक बात बताइए। कहिए। आप हवाई जहाज तो बहुत अच्छा उड़ा लेते होंगे। अरे नहीं साहब, मैंने तो जिंदगी में कभी हवाई जहाज उड़ाया ही नहीं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, नाम आपका पायलट बाबा और ये पोशाक। अरे हाँ, ऐसी बात है मंत्री जी कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो मेरा बाप हवाई जहाजों के नट बोल्ट टाइट किया करता था। हम लोग एयरपोर्ट के पीछे एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते थे। छुट्टी वाले दिन मेरा बाप मुझे गोद में बिठाकर हाथ में पौवा पकड़कर आसमान की तरफ देखा करता था और कहता था, बेटा मैं तुझे किस लाइन में डालूं, तुझे क्या बनाऊं। फिर उसने खुद ही फैसला किया और मुझे बताया कि मैं तुझे पायलट बनाऊंगा। अब अपने पिताजी की बात रखने के लिए मैंने वो पोशाक और नाम अपना लिया और हवाई जहाज तो कभी उड़ाया नहीं, आदमी उड़ाता हूं। भगवान आपके पिताजी की आत्मा को शांति दे। नहीं पोपट, कोई वकील नहीं चाहिए। अपने आप को अगर बेगुनाह साबित करना था तो खुद ही कर लेता। दादा, तुम्हारे को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सजा तो मुझे उसी वक्त हो गई थी जब मेरे दोस्त ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अगर वरुण समझता है कि मैं कसूरवार हूं तो मैं कसूरवार हूं। फिक्र तो सिर्फ अंजलि की है, कहीं वो मुझे गलत ना समझे। हेलो अंजलि दीदी, हम मुन्ना बोल रहा हूं। हम अभी अभी सूरज भैया से जेल में मिल के आ रहा हूं। सूरज, वो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अंजलि दीदी, सूरज भैया बिल्कुल बेकसूर है, आप हमारा विश्वास कीजिए। दीदी, सूरज भैया को जेल जाने का बिल्कुल फिक्र नहीं जी, उसको फिक्र है कि आप उसको गलत ना समझे जी। सूरज भैया सिर्फ तुम्हें प्यार करे चाहे, हूँ खोटा नहीं बोलता मैं। तुम्हें प्यार करे चाहे सिर्फ तुम्हें।
आश से उतर के जब आती है ऐसी रात, तकदीर आशिकों की जगाती है ऐसी रात। ये रात आरज़ू है, खुशी है, इंतजार था इस रात का मुझे। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सोचना भी बेवकूफी है अंजलि। अपने दिल को समझा लो कि सूरज तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुका है। ओ, ओ, छोड़ो ना नॉटी डोडो। डोडो बेटा आ गए। डोडो डोडो भालू की आवाज कहां से आ गई? डोडो मर गए। डैडी इनसे मिलिए, सी इज माय फ्रेंड इंटरनेशनल स्टार। इंटरनेशनल स्टार? यस। क्या नाम है इसका? फ्री देवी। टडन टडन। श्री देवी तो सुना था लेकिन फ्री देवी? क्या डैडी इनका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, किसी चीज को ना नहीं बोलती, हर काम फ्री करती है। फ्री में? हाँ, वैसा भूखा नंगा शो नहीं, ग्रेट शो। $500 का टिकट था, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। तो शादी करेगा? हाँ। इससे? हाँ, ये आपकी होने वाली बहू है। डोडो डैडी इधर आओ। आ गया। फादर इन लॉ आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे, चल। डोडो यू नो आई गेट आउट, सी गेट आउट, वी गेट आउट, चल इस शो के लिए छोड़ के आता हूँ, चल। फ्री देवी उल्लू का पट्टा। बोलो इंस्पेक्टर, कुछ खबर मिली? हाँ पायलट बाबा, सारा इंतजाम हो चुका है। कल सभी कैदियों के पत्थर तोड़ने की ड्यूटी लगी है, हम वहीं से रंजीत भाई को उड़ा लाएंगे। अरे रोको रोको, गाड़ी को रोको, प्राइवेट गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। इनके लिए खास परमिशन है मेरे पास, लीजिए।
मोरे जाने दो। जाइए जाइए। रुक जाओ, नीचे बैठो तुम लोग। बाबा, मेरे भाई रंजीत, तू ठीक तो है ना? बाबा, बहुत दिनों की प्यासी बाबा, जेल में तो ये सब नहीं मिलता। जो जी में आए करो रंजीत, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का नया टेक ऑफ है और इस टेक ऑफ में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। सचदेवा साहब, वेलकम टू अवर गोडाउन्स। आइए आइए। ए, शटर बंद करो। देखिए, ये सारी चावल की बोरियां आपके लिए लोड हो जाएंगी। द प्योर व्हाइट बासमती राइस, द बेस्ट चावल इन द वर्ल्ड। वो तो ठीक है पायलट बाबा, लेकिन ये सब परी बासमती राइस ही है ना, कोई खोट तो नहीं? अरे बस क्या, पायलट बाबा अपने बंदे में खोट बर्दाश्त नहीं करता तो धंधे में खोट कैसे बर्दाश्त करेगा? दो दिन के बाद ये सब शिपमेंट हो जाएगा आपके लिए। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। बाबा, ये चावल का धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे ना समझ, चावल की 1000 बोरियों के साथ अगर अपने माल की एक बोरी भी चली गई तो हम मालामाल हो जाएंगे। लोग तो पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन हम पुलिस की आंखों में चावल झोंकेंगे। सही बाबा। ये देखिए। क्यों सचदेवा साहब, अब तो विस्की पिएंगे ना आप? शराब तो हम पीते नहीं हैं, लेकिन आपके बासमती चावल की बिरयानी जरूर खाएंगे। जरूर आइए। भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आती है। आगे है जमाना पर भूख पीछे पीछे, सारी दुनिया की बातें दो रोटी के नीचे। अरे चमड़े की झोपड़िया में आग लगी है भैया, बरखा ना बुझाए बस बुझाए रुपया, और फिर भी भरे ना पेट तो याद आती है यारो परी राइस प्लेट।
खिलाए तो मैं खाना बनाए। यूं तो दुनिया में है कितने मेरे दीवाने, मजा तो तब है कि जब तू मेरा दीवाना बने। सब बिखर जाने दे, अपनी आगोश में ले ले मुझे, मर जाने दे। तुम यहां कैसे आई? तुम्हारे कानून को एक बेगुनाह आदमी को मुजरिम कहलाकर सजा देने का कोई हक नहीं है। इसकी बात कर रही हो? सूरज ही, सूरज के स्नेह ने तुम्हें बौखला दिया। एक मासूम और इज्जतदार औरत का बलात्कार करने वाला। मासूम और इज्जतदार? देवदर की बीवी और कौन? मासूम और इज्जतदार बीवियों को उनके पति तलाक नहीं दिया करते। तलाक? हाँ तलाक। और ये रही डाइवोर्स पेपर की जेरोक्स कॉपियां जो मैंने कोर्ट से हासिल की है। तलाक की वजह बच्चलनी, गैर मर्दों के साथ उसका संबंध। पढ़ लो। गई थी? मैं मंदिर गई थी। मंदिर? बता कौन से क्लब में गई थी, या किसी बार में, या किसी पराए मर्द के साथ? बोल। मैं पतिव्रता थी, पतिव्रता हूं। तो ये है तुम्हारा पतिव्रता धर्म? पतिव्रता औरतें अपने पति की तस्वीरों की पूजा करती हैं, कचरे के डब्बे में नहीं फेंकते उसे।
बोल, किसके कहने पर तूने सूरज पर इल्जाम लगाया? सूरज ने मेरे साथ जबरदस्ती। झूठ मत बोल। पता, वरना मैं तेरे चेहरे को इतना घिनौना बना दूंगा कि तुझे अपने आप से डर लगने लगेगा। पता? मैं बताती हूँ, बताती हूँ, मैं बताती हूँ। हेलो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इंस्पेक्टर, कुछ नहीं होगा। तुम इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। वरुण सक्सेना, तुमने अपने फर्ज को बहुत ही गैर जिम्मेदारी से निभाया है। बच्चों से भरे स्कूल में गोलियां कोई पागल इंसान ही चला सकता है। इस जुर्म के तहत तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड किया जाता है और अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वरुण सक्सेना को रिमांड में लें। जब तक इस केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक नो बेल शैल बी ग्रांटेड। तुम इतने दिनों बाद अपने भाई की याद कैसे आई तुम्हें? आप तो जानती हैं भैया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है भैया। ये वरुण के किसी दुश्मन की चाल है। नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। मौका वारदात पर जिस तरह वो पकड़ा गया है, दुनिया का कोई भी वकील उसे नहीं बचा सकता। भैया आप चाहें तो उन्हें बचा सकते हैं। प्लीज भैया, उन्हें बचा लीजिए। तुम मेरी बहन हो और मुझसे मदद मांगने आई हो, मैं तुम्हें खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। इस ब्रीफकेस में कुछ 2.5 लाख रुपए हैं, उठा लो और कोई दूसरा वकील कर लो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे तुम्हारे पति से पूरी हमदर्दी है। ये आपकी हमदर्दी नहीं, आपका अहंकार है और इस अहंकार ने आपको पत्थर बना दिया है। पत्थर तो तुम्हारा पति है जिसने छोटे छोटे मासूम बच्चों पर गोली चलाई। खूनी है वो। खूनी वरुण नहीं, आपकी वकालत है। और एक बात मत भूलिएगा, आपकी वकालत के ऊपर भी एक अदालत है और उस अदालत में बेकसूरों को सजा नहीं दी जाती। मेरा वरुण बेकसूर है। Thank you.
सूरज। अरे कैसा है तू रे? सूरज सूरज मेरी बात तो सुन। सूरज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पैसा निकाल। पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे मैं नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? पैसे के बदले गोली देगा। मैं गोली नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट तक नहीं पीता हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा। जबान लड़ाता है। छोड़ दो इसे। क्या तुम जानते नहीं, नशा करना जेल के बाहर ही नहीं, जेल के अंदर भी जुर्म है। यहाँ कोई चरस नहीं पिएगा, समझ गए? तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अबे ओ, यहाँ तुम वर्दी में नहीं हो, तुम भी हमारी तरह एक कैदी हो। यहाँ तुम्हारा कानून वानून नहीं चलेगा भाई। कानून की इज्जत करने के लिए सरकारी वर्दी की नहीं निष्ठा की जरूरत होती है। मेरी वर्दी मेरा ये जिस्म है, और जब तक इस जिस्म में सांसों का सिलसिला बरकरार है, कानून की इज्जत बरकरार रहेगी। जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी, ये कभी मत भूलना। अबे हट। क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बोलता बेडू? खींच दे उसकी अक्कड़ को उसके तड़ियों के साथ उसके जिस्म से बाहर। कहो तो साले का राम नाम सत कर दें, पहला मौका मिलते ही।
रुक जाओ, इसने मेरी जान बचाई है, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग, स्टॉप इट। तुझे ज्यादा तो नहीं लगी ना? सूरज, अरे मेरी बात तो सुन, सूरज सूरज सूरज, इतनी नफरत है मुझसे तो मुझे बचाया क्यों, मर जाने दिया होता मुझे। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने मेरी दोस्ती, मेरे विश्वास को ठुकरा कर एक बसात औरत की बात मान ली थी। सूरज वो ये मत समझना कि मैंने अपने दोस्त की जान बचाई है, मैंने अपनी भाभी को विधवा होने से बचाया है, राजू को यतीम होते नहीं देख सकता मैं। मैं आपका सर्विस रिकॉर्ड जानता हूं वरुण, यह मेरी तरफ से कानून के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही को छोटा सा सलाम। जाओ अपनी धर्मपत्नी से मिलो वरुण। राजू कैसे? रोज तुम्हारे बारे में पूछता है, जवाब नहीं देती, तो रोना शुरू कर देता है। और तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रो मत, रो मत। सूरज कैसा है? सूरज मेरे इतने पास होकर भी मुझसे कितना दूर हो गया है, वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि तुम सूरज को बताते क्यों नहीं? कैसे बताऊं? और जानती हो कल उसने मेरी जान भी बचाई। कैसे, क्या हुआ था? पुरानी कानून और जुर्म की लड़ाई, मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे धुतकार दिया, हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया उसने, खत्म कर दिया उसने। सूरज, सूरज तुमसे कोई मिलने आया है। अच्छा, नमस्ते जी। सूरज, अपनी भाभी से भी नाराज है तू? वरुण से मिलने आई थी। हाँ सूरज, तुम्हें वरुण के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी बात मत करो, राजू कैसा है? राजू ठीक है, पहले तू मेरी बात सुन ले। जब वरुण को पता चला कि तुम बेकसूर हो, आखिर पता चला ना, मेरी बातों पर एतबार ही नहीं किया उसने, उस पर तो भरोसा ही नहीं किया। सूरज, वो औरत निशा उस पुलिस ऑफिसर की बीवी है जिसने अपनी जान देकर वरुण की जान बचाई थी। अब सोचो वरुण के दिल में उस औरत के लिए कितनी इज्जत, कितनी हमदर्दी होगी, और जब उसने तुम पर रेप का इल्जाम लगाया तो उसकी क्या हालत हुई होगी। और अगर तुम वरुण की जगह होते तो तुम भी वही करते जो वरुण ने किया। और जब उस औरत की असलियत का पता चला तो वरुण तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए उन लोगों के पीछे पड़ा था। जब स्कूल में गोलियां चली और उसका इल्जाम वरुण पर आया, उसे फंसाया गया सूरज,
वो बहुत निराश हो गया सूरज, उसे अपने जेल जाने का गम नहीं, उसे गम है कि तू उसे गलत समझ रहा है। वो तेरी बेरुखी नहीं सहन कर सकता, वो अपने बचाव की कोशिश भी नहीं करेगा। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी उस दिन एक नहीं तीन तीन मौतें होगी, एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की और तीसरी राजू की। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी उस दिन एक नहीं तीन तीन मौतें होगी, एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की और तीसरी राजू की। नहीं, वरुण को फांसी नहीं होगी, नहीं होगी वरुण को फांसी, क्यों नहीं होगी? इंसाफ की नजरों में वो खूनी है, इंसाफ की आंखों में धूल झोंकी गई, अदालत को धोखा दिया गया। ये तुम कहते हो सूरज, कानून नहीं। कानून? कानून एक मोम का पुतला है जिसे जैसे चाहे वैसे मोड़ा जा सकता है, मगर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, नहीं। क्या करोगे सूरज, क्या करोगे तुम? मैं वरुण को जेल से भगा दूंगा। बर्फ से उम्मीद करते हो कि वो अपनी ठंडक छोड़ दे, फूल से चाहते हो कि वो अपनी महक छोड़ दे, वरुण और कानून तोड़ दे। नहीं सूरज, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो जेल से नहीं भागेगा तो मैं जेल से भागूंगा, मैं भागूंगा जेल से। साहब, इंडियन पैनल कोड सेक्शन 376 के मुताबिक एक रेप की सजा 7 साल होती है। अगर वही आदमी दूसरा रेप करे तो
दीवान विश्वराज टेलीफोन पर मशवरा नहीं देता। कौन हो तुम? वही मासूम और बेकसूर आदमी जिसे कसूरवार साबित करके आपने 7 साल की सजा दिलवाई थी। सूरज, उस 7 साल की सजा को 14 साल में बदलना चाहता हूँ और एक रेप करने जा रहा हूँ मैं, और इस बार वो झूठा नहीं होगा। जानना चाहोगे वो लड़की कौन है? डैडी, डैडी प्लीज मुझे बचा लीजिए, सूरज बिल्कुल पागल हो गया, जानवर बन गया है डैडी। सूरज, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दीवान, अगर तुम इस रेप को रोकना चाहते हो तो वो सारे सबूत पुराने खंडर में ले आओ जो वरुण को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, अभी इसी वक्त। डैडी, सबूत लाए। अंजलि, ये बहुत बुरा इंसान है। आप ठीक कह रही थी, छोटा आदमी छोटा ही होता है। डैडी, आप जानते नहीं उसे कितना बड़ा मुझे, कितना टॉर्चर किया मुझे। डैडी, मैं इसे खून में डालूंगी, मार डालूंगी उसे। ये क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गई तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं आपको कितना नोबल, कितना सच्चा, कानून का एक सही रखवाला समझती थी, मगर आप झूठे हैं, निर्दय हैं, दुश्मन हैं कानून के। अगर हर कोई वकील आपकी तरह है तो इस देश में वकालत नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना डैडी? हाँ, हाँ बेटी। जब मुझे कुछ होता है तो आपको भी दर्द होता है ना? होता है बेटे। बचपन में जब मुझे जरा सी भी चोट आती थी तो आप बहुत परेशान होते थे ना? होता था बेटी, मगर तू ये सब क्यों पूछ रही है? अंजलि, अंजू, गोली मत चलाना बेटी, पिस्तौल मुझे दे दे बेटी। अंजू, अंजू नहीं प्लीज, आंखें मत खोलना। ये क्या कर रही हो तुम? डैडी, आपको अपनी बेटी और अपनी प्रोफेशन के बीच एक को चुनना होगा। अगर आज आपने सूरज का साथ नहीं दिया तो आपकी बेटी आपके सामने अपने आप को गोली मार लेगी। अंजलि, अंजु, अगर मुझे ये पता होता कि तू ये करने वाली है तो मैं तुझे सच्चाई कभी नहीं बताता। सूरज, रोक इसे। बोलो डैडी, आप झूठ का साथ दोगे? यह सच्चाई का? बोलो डैडी। पिस्तौल मुझे दे दे बेटी, तू जो चाहती है वही होगा बेटी, तेरे सर की कसम। अंजलि, तू ठीक हो जाएगी बेटी, ठीक हो जाएगी। रंजीत, ये पढ़ो तुम जरा। दीवान हमारे दुश्मन से मिल गया है, मुकदमा दोबारा शुरू कर रहा है और वरुण का केस भी खुद लड़ रहा है। बाबा, बाबा ये कैसे हो सकता है? बाबा नहीं, नहीं होगा ये, हमें फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी।
तुम वरुण के घर जाओ और उसकी कमजोरी पकड़कर दीवान के बंगले पे पहुंचो। मैं दीवान की उड़ान को रोकता हूं। दीवान, दीवान के बच्चे बाहर निकल, कहां है तू? गुड मॉर्निंग पायलट बाबा, मैं यहां हूं। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? ये क्या बकवास है? तुम वरुण सक्सेना का केस लड़ोगे? मैं एक वकील हूं पायलट बाबा, जो मुझे पैसा देता है मैं उसका काम करता हूं। तो क्या मैं तुझे पैसे नहीं देता? भूल गया वो दिन जब फटा हुआ काला कोट पहनकर अदालत के बाहर क्लाइंट्स के लिए आवाजें देता था? उस वक्त मैंने तुझे पहला केस दिया था और वो भी मर्डर का। उस मर्डर केस में तुम्हें फांसी के तख्ते से किसने बचाया था? मैंने। और तुमने? तुमने दूसरे दिन एक और खून कर दिया। अरे खून नहीं करता तो ड्रग्स की एजेंसी कैसे मिलती मुझे? वहीं से तो चावल की बोरियों में ड्रग्स एक्सपोर्ट करना शुरू किया मैंने। और ये मत भूल कि वो मुकदमा जीतने के बाद ही मैंने तुझे ये बंगला खरीद कर दिया था। और आज तू उसी हरामजादे का केस लड़ने की सोच रहा है जिसे तू एक बार खुद सजा दिलवा चुका है? वो गलती थी, बच्चों पर गोलियां उसने नहीं चलाई थी। अरे गोलियां मैंने चलाई थी ये तुम जानते हो और उस वक्त भी जानते थे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे दुश्मन के साथ मिल जाने की तुम्हारी वजह क्या है? कौन दुश्मन, किसकी बात कर रहे हो तुम? वरुण सक्सेना। वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरी बहन का सुहाग है। ओ वाह वाह वाह, तो खून की पुकार तुम्हारे कानों में पड़ ही गई। ठीक है, अब जब तुमने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो डैडी, आपका फैसला तो जनता ने कर दिया। आज तक मैंने आपको कुछ नहीं समझा, लेकिन आप तो अच्छे एक्टर है यार। क्या बात है, आप तो इंटरनेशनल एक्टर बन गए। यहाँ कोई सीरियल की शूटिंग चल रही है। शट अप डोडो, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, मेरे पास प्रूफ है। आपके पास टीवी है क्या अंकल? आपके पास टीवी है क्या? है ना, क्यों? देखो मेरे डैडी को। आइए डैडी, क्या जीतते आप? देखो 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 तो। क्या तमाशा बना रखा है तुमने? देखो देखो, छोटे टीवी पे कितने बड़े दिखते हैं। देखो देखो देखो, क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। दुनिया के हर कोने में, झोपड़पट्टी में, जहाँ जहाँ टीवी है वहाँ वहाँ दिखाई देंगे आप। हाँ सचमुच, सब लोग देखते होंगे। दीवान! डैडी! हेलो, हम गृह मंत्री बोल रहे हैं। कितनी भारी गलती हो गई हमसे। वरुण सक्सेना जैसे ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुलिस ऑफिसर को हमने जेल में डाल दिया। सारा देश हम पे हंस रहा होगा। उसे जल्द से जल्द जेल से रिहा करने का प्रबंध करो। जी सर। तेरे आदमी गोलियां चला चला कर थक गए होंगे। इनसे कह दे अपना बोझ हल्का कर ले। नीचे रख दो। रुक जाओ। सुराज, बाबा की कनपट्टी से पिस्तौल हटा दे वरना मैं इस बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। उड़ा दूंगा भेजा। पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती।
होगी। छोड़ो, चारों तरफ से घेर लो इन्हें, कोई भागे ना पाए। शाबाश रंजीत, अगर किसी ने गोली चलाई तो मेरी गोली बच्चे की खोपड़ी के पार होगी, कोई गोली नहीं चलाएगा। राजू, इस वक्त सारा देश मुझे देख रहा है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम जैसे वकील छोटे छोटे जुर्म करने वाले लोगों को शह देकर बड़े बड़े मुजरिम बनाते हैं। मैंने वरुण सक्सेना जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सजा दिलाई, कानून के ऐसे सच्चे सिपाही को एक देशभक्त का मान मिलना चाहिए, मगर मेरी वजह से उसे सजा देनी पड़ी। पुलिस और वकील दोनों कानून का अंग है। जुर्म और करप्शन को अगर देश में से खत्म करना है तो इन दोनों को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। इंजन स्टार्ट करो। ओके सर। Thank you.
राजू पापा राजू पापा ये आदमी राजू पापा 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 ये आदमी ने हमें बहुत मारा खबरदार मार डालूंगा पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती वो सीधी साथ में आसमान को जाने वाली है तेरी फ्लाइट को ब्रेक लग चुकी है पायलट बाबा अब उसकी मंजिल का फैसला तू नहीं कानून करेगा और उस कानून के खिलाफ कोई काला कोट तुझे नहीं बचा सकेगा ले जा से सूरज क्या तू अभी मुझसे नाराज है आज के दिन दुनिया को हमने बता दिया कि तेरा काला कोट और मेरी खाकी वर्दी एक दूसरे की ढाल बन गए हैं और जब तक यह ढाल बरकरार रहेगी इस दुनिया में पाप पनप नहीं सकता तो फिर आज हो जाए क्या अरे पार्टी पार्टी ठीक है आज मैं तुझे 5-स्टार होटल में एक कप चाय पिलाता हूं आज के दिन और चाय विस्की 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 किसने बोला विस्की है रिस्की अरे आम तो पिएगा पी पी के जिएगा साला अपना यही काम है चोरी नहीं की डाका नहीं डाला नाम क्यों बदनाम है आम तो पिएगा पी पी के जिएगा साला अपना यही काम है अरे चोरी नहीं की डाका नहीं डाला नाम क्यों बदनाम है हम भी पिएगा पी पी के जिएगा साला अपना यही काम है और तेरे संग जीना तेरे संग संग मरना पसंद हमें ये अंजाम है विस्की 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 किसने बोला विस्की है रिस्की अरे विस्की 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 किसने बोला विस्की है रिस्की